नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कक्कर। आज नया एपिसोड, नया टॉपिक आपके हेल्थ के संबंध में, कुछ वो चीज़ें जो कि नई है और आपके हेल्थ के लिए है, आपका स्वागत है। ट्यूबरक्लोसिस वो इन्फेक्शन जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, जिसमें इंडिया के करीब करीब काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस एक वो इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है और वो बॉडी में नाखून या बाल छोड़ करके सभी ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो फेफड़ा हो, किडनी हो, हार्ट हो, स्पाइन हो, ब्रेन हो, कहीं की भी टीबी हो सकती है। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे जिन स्त्रियों के, उनका भी कारण एक ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। जी हाँ, ये एक इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है, जो कि सांस के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में जाता है। जिनको फेफड़े की ट्यूबरक्लोसिस हो रही है, स्पूटम पॉजिटिव है और खांसने पर उसका जो बैक्टीरिया सांस के द्वारा होते हुए दूसरे आदमी तक पहुंच रहा है, खून के द्वारा वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जा कर के उस ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है। अगर वो फेफड़े की टीबी है, खांसी आना, लगातार खांसी आना, बलगम आना, कमजोरी होना, वजन कम होना, खांसी के साथ कभी कभी खून भी आ सकता है, उसका मुख्य लक्षण फेफड़े की टीबी का होता है। लेकिन अगर वो ग्लैंड की टीबी है, ग्लैंड जो कि आपका प्रतिरोधक क्षमता, आपके जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसके लिए होती है, इन्फेक्शन रोकने के लिए होती है, वो नेक की ग्लैंड्स बढ़ सकती हैं, वो ग्लैंड की टीबी होती है। चेस्ट के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, उनकी टीबी होती है। एब्डोमिनल या इंग्वाइनल एरिया जो कि नीचे की तरफ होती है, उसकी भी टीबी हो सकती है। स्पाइन की टीबी या बोन की टीबी हो सकती है, जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। ब्रेन की टीबी होने पर ब्रेन के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, आदमी को फालिज मार सकता है, झटके आ सकते हैं, एपिलेप्टिक अटैक हो सकता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको पेट की टीबी है तो पेट में पानी आना, पेट को फूल जाना, लूज मोशंस हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, और कभी कभी आँत रुक जाती है, जिसे पार्शियल या कंप्लीट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है टीबी की वजह से। आपके किडनी का भी प्रभावित हो सकता है। जेनिटल ऑर्गन ट्यूबरक्लोसिस होती है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी का कारण, बच्चे ना पैदा होने का कारण एक ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो कि यूट्रस या जो उनके फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जिससे जो अंडा निकलता है उसको ब्लॉक कर देता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपको लीवर की ट्यूबरक्लोसिस है तो लीवर इससे अफेक्टेड हो जाता है। उसके अलावा बॉडी का हार्ट में भी टीबी हो सकती है, आइस की टीबी हो सकती है, विजन, आँखें लाल हो जाना। हर टीबी में खांसी नहीं आती है, अक्सर लोग कहते हैं कि साहब ये आँख की टीबी कैसे हो गई, हमें पेट की टीबी है, हमें तो खांसी नहीं आ रही। अक्सर ऐसा होता है, आँख की टीबी में आँखें लाल हो जाती हैं, बुखार नहीं होता है, खांसी नहीं होती है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस आँख को भी प्रभावित करती है। तो बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जहाँ की टीबी नहीं होती, और जहाँ की टीबी होती है वो ऑर्गन बोलता है, उसके पर्टिकुलर ऑर्गन के सिम्टम्स आते हैं। अब प्रश्न होता है, अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गई तो इसका इलाज क्या है? जी हाँ, अब से कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले इसका कोई इलाज नहीं था। लोग सैनिटोरियम में भेज दिए जाते थे और वहाँ पर ही जाकर के उनको ऑक्सीजन थेरेपी होती थी। एक ऐसी स्टेज थी जबकि पिंग पोंग बॉल या फेफड़े का ऑपरेशन हो जाता था और हम लोग कहते थे कि उनको सोसाइटी से दूर रखें, सैनिटोरियम में रख दें, जिससे लोग और लोग प्रभावित ना हुआ। समय बदला, टीबी की दवाइयाँ आ गई, बहुत सारी टीबी कंट्रोल में होती, लेकिन आज भी ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस उनका बढ़ रहा है। उसका कारण हम लोगों की जागरूकता, इरेगुलर ट्रीटमेंट, हमारी लाइफस्टाइल है। अगर हमें ट्यूबरक्लोसिस होती है, अक्सर लोग कहते हैं कितने ड्यूरेशन तक का हमें इलाज करना चाहिए। अगर हम लोग इलाज छोड़ छोड़ के करते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे ट्यूबरक्लोसिस पर पड़ता है। जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस वो हमारे द्वारा पैदा करा हुआ है, जो बैक्टीरिया जो ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयों से मर जाते हैं वो उनसे नहीं मर पाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का इलाज हम लोग ऑर्डनरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से थोड़ा भिन्न होता है। इनका जो बैक्टीरिया होता है वो जब एक्टिव होता है, जब वो मल्टीप्लाई करता है, तभी हमारी ट्यूबरक्लोर ड्रग्स का उनके ऊपर एक्शन होता है। ये बैक्टीरिया काफ़ी साल तक, 5-10 साल तक बॉडी में पड़ा रह सकता है, सुसुप्त अवस्था में, डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है। उस समय अगर हम कोई ट्रीटमेंट देते भी हैं तो वो बैक्टीरिया नहीं मरता है। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस वो भी एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है।
जो निमोनिया है वो भी एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, एंड ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। तो इसमें इतने समय तक 6 महीने 9 महीने ये साल भर का इलाज क्यों होता है? उसका कारण ये होता है कि बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करता है, जब वो एक्टिव होता है, तभी इसको एंटी ट्यूबरक्लोर ड्रग्स को हम देते हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर होता है। शुरू में इसकी 2 स्टेजेस होती हैं ट्रीटमेंट की। पहले हम लोग 3 से 4 दवाइयाँ देते हैं, 3 महीने बाद जो इंटेंसिव फेज ख़त्म हो जाता है, जब 80% बैक्टीरिया मर जाता है, तो कॉन्टीन्यूशन फेज को हम लोग 1 साल तक इलाज या 9 महीने तक इलाज करते हैं, जिससे पूर्णतः बैक्टीरिया इरेडिकेट कर जाता है और दोबारा इसमें होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें ड्रग रेजिस्टेंस से बचना है तो ज़रूरी है कि इनका पूरे समय तक इलाज करें, डॉक्टर द्वारा जो डोजेज बताई गई हैं उसके द्वारा लें। जो आदमी 30 किलो का है उसकी डोज फ़र्क होगी, जो आदमी 80 किलो का होगा उसकी डोज अलग फर्क होती है। इसमें 3 या 4 दवाइयाँ शुरू में देते हैं और धीरे धीरे उसको कम करके ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, मरीजों को रेगुलर चेकअप में जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयों को साइड इफ़ेक्ट होता है, वो दवाई जो कि बॉडी में अफेक्ट करती है उनका साइड इफ़ेक्ट होना लाजमी है। कुछ दवाइयों का असर लीवर पर होता है, उससे नौजिया वोमिटिंग होता है। अगर आपको नौजिया वोमिटिंग हो रही है, जी मिचला रहा है, भूख कम हो रही है, डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको आंखों में इसका प्रभाव हो रहा है, अगर आपको दूर का देखने में कोई शिकायत हो रही है, डॉक्टर से संपर्क करें। उसके अलावा कोई खुजली हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इलाज पूर्ण है, पूर्णतः है, केवल उसके नाम से घबराना नहीं चाहिए। अगर हम उसका पूरा इलाज करेंगे तो ये इलाज दोबारा ट्यूबरक्लोसिस दोबारा नहीं होती है। अगर हम इसके इलाज बीच में छोड़ देते हैं तो रेजिस्टेंस होने का डर रहता है और दोबारा और लोगों को भी, घर के और फैमिली मेम्बर्स को भी ट्यूबरक्लोसिस होने का डर रहता है। तो टीबी एक वो बीमारी है जो पूर्णतः उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप डॉक्टर के संपर्क में आकर के पूरा इलाज करें और उसकी रोकथाम करें। योर फ्रेंडली डॉक्टर। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी आपसे मुलाकात होगी इंस्टाग्राम में।